हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हैं जीतू इलेक्ट्रॉनिक। आज मेरे पास से कनेक्ट अल्पा ईयरबड्स आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो के साथ कैसा लगा। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाली हुई है और ये प्रोडक्ट आपको बाय करने का रहेगा तो भी आपको डिस्क्रिप्शन और लिंक मिल जाएगी। चलो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रांड नेम मिल जाएगा आपको, कनेक्ट मिल जाएगा, उसका नेम है अल्फा बर्स अल्फा। और भी उसमें आगे लिखा हो, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, स्टूडियो बास साउंड है और लाइट वेट है, ज़्यादा वेट है नहीं। और पीछे भी मिल जाएगा आपको 10 NM स्पीकर है, हैवी बास लिखा हुआ है। और भी आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ, स्मार्ट टच कंट्रोलर है और उसमें MRP आपको 2499 मिलेगा, 2500 के आसपास MRP है, पर उतना मिलेगा नहीं आपको, 1000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और भी खोल के देख लेते हैं उसके साथ में क्या क्या आता है। यूजर मैनुअल आपको मिलेगा और आपको माइक्रो USB डेटा केबल्स मिलेगा और आपको फाइनली ईयरबड्स मिल जाएंगे। ये केस है ईयरबड्स और आपको अंदर ईयरबड्स मिल जाएंगे। जैसे देखा जाए तो ये प्लास्टिक का है और ये लॉक सिस्टम रहता है। और आपको इधर चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी और साइड में चार्जिंग के लिए मिल जाएगा आपको। और ऊपर आपको ब्रांड नेम मिल जाएगा और भी साथ में कुछ नहीं है। जैसे केस में देखा 300 mAh बैटरी आती है केस में और ईयरबड्स में 35 mAh बैटरी आती है। और ये केस फुल चार्ज होने में 2 hours टाइम ज़्यादा है और ईयरबड्स तो एक 1 hour के अंदर ही चार्ज हो जाता है। और चार्जिंग लगाने के बाद कौन सा इंडिकेटर आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको लाइट ब्लिंक होगी जैसे चार्जिंग लगाएगी, जैसे फुल हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगी सभी लाइटों। और ज़्यादा केस चार्जिंग ना लगाए 2 hours में फुल चार्ज हो जाएगा। और ईयरबड्स की प्ले टाइम कैपेसिटी है 4 से 5 hours, ईयरबड्स की कैपेसिटी है बैटरी और 35 mAh आती है बैटरी। और जैसे भी देखा जाए तो ये टच स्क्रीन आएगा आपको, यहाँ पे टच स्क्रीन आपको मिलेगा। और देखा जाए तो लुक वाइज बहुत अच्छा है, जैसे नॉइस के जैसा दिया हुआ है, ईयरबड्स जैसा सेम नॉइस कंपनी के जैसे ही दिया हुआ है। ये 2 पॉइंट है उधर से चार्ज होता है और लेफ्ट राइट मिलेगा आपको। और जैसे केस देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को केस भी। और फाइनली ईयरबड्स हम देख लेते हैं और इसमें ज़्यादा वेट है नहीं, बहुत ही लाइट वेट है, केस में भी इतना वेट नहीं है। हम उसको फ़ोन में कनेक्ट करके उसका टच स्क्रीन चेक कर लेते हैं और कैसा ही वर्किंग है टच इसका मल्टीपल। और इसका टच कंट्रोल चेक कर ले, सबसे पहले आप कनेक्ट कर लीजिए फ़ोन में, ब्लूटूथ ओपन कीजिए, ब्लूटूथ ऑन कीजिए, उसमें बड्स अल्फा लिख के आ जाएगा। यह फ़ोन में कनेक्ट हो गया। इसका टच कंट्रोल वर्किंग कैसा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। म्यूजिक में जाइए, प्ले सॉन्ग कीजिए और इसमें सिंगल टैग के ऊपर, सिंगल टैग में प्ले पुश है, सिंगल टैग को प्ले पुश है और डबल टैग ऊपर सॉन्ग नेक्स्ट है, डबल क्लिक के ऊपर सॉन्ग नेक्स्ट है, वापस वो का वही सॉन्ग लगे तो लेफ्ट साइड में करिए 2 बार क्लिक, सॉन्ग वो का वही आ जाएगा। और आपको वॉल्यूम अप करने का रहेगा तो राइट साइड में आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपको वॉल्यूम अप होगा और लेफ्ट साइड में ट्रिपल क्लिक करिए डाउन होगा। इसमें यू फैसिलिटी और इसमें वॉइस असिस्टेंट भी है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट आप यूज कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट के लिए आपको 3 सेकेंड प्रेस करके रखिए इधर तो वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाएगा। हेलो गूगल, वॉइस असिस्टेंट चालू हो गया। और कॉल उठाने के लिए आपको वही रहेगा, 1 tag होगा और वापस कट करने के लिए 1 tag होगा स्टेप बाय स्टेप बाय। और आपको कॉल रिजेक्ट करने का 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए, कॉल रिजेक्ट हो गया, आपको कॉल रिसीव नहीं करने का रहेगा। तो उसका टच वर्किंग ऐसा है और मल्टीपल टच स्क्रीन है और अच्छा लग रहा है। और आपको LED बाई टू बाई दिखेगी आपको थोड़े थोड़े टाइम में ब्लू लाइट में।
ईयरबड्स की 10 मीटर ट्रांसमिशन रेंज है, 10 मीटर उसकी रेंज है, और ब्लूटूथ वर्जन है V5.0। देखा जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है और इजी कनेक्टिविटी है। और ये बड्स को देख लेते हैं कान में कितने कंफर्टेबल और साउंड सिस्टम कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाए तो कान में एकदम कंफर्टेबल है, कोई इश्यू नहीं है कान में, एकदम कंप्लीट फिटिंग है और गिरने का कोई भी चांस नहीं है। और इसमें 10 mm बासबूस्ट ड्राइवर और स्टूडियो साउंड है, मतलब साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और भी आपको सुन के भी बता देता साउंड क्वालिटी कैसी है। ऐसे देखा जाए तो साउंड बहुत मस्त है, और 10 mm बासपूस ड्राइवर साउंड तो अच्छा ही आएगा, और साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और आपको ये प्रोडक्ट बाय करने का रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, आपको अच्छा लगा रहेगा तो मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो भी लाइक कीजिए। चलो थैंक यू।